back to my channel and welcome back to yet another video. मस्त तो सब लग रहा है मुझे. आज है 15th of May, यानी कि मंडे. सो बीच में ना व्लॉग्स बहुत ऊपर नीचे हो गए थे, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा किस डेट का है, इसीलिए मैं आज से फिर से डेट वाइज व्लॉग डालने वाली हूँ. सो यार इट्स 15th एंड इट्स मंडे. शिवम हैज लेफ्ट फॉर हॉस्पिटल. और अभी क्या हुआ, मैंने ना कॉफी के लिए पानी रखा हुआ था एंड ऑल ऑफ अ सडन वो कूड़े वाला आ गया, तो मैं कूड़ा डालने चली गई. जब मैंने कूड़ा डाला हुआ देखा तो उस जगह पे ना बहुत ज्यादा डस्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा उसको ग्रूमिंग कर देती हूँ वहां पे. तो मैंने झाड़ू से थोड़ा सा उसको क्लीन किया एंड व्हेन आई केम इनसाइड आई रियलाइज कि गैस में मैंने पानी रखा हुआ है और वो पानी पूरा सूख चुका था. एंड माय गॉड्स ग्रेस वो पतीला फूका नहीं है, पतीला बोलते उसका पैन बोलते जो भी बोलते फूका नहीं है. सो आई शो इट टू यू. मैंने स्पेशली रखा हुआ था आप लोग को दिखाने के लिए. इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है. अब इसमें एक बार पानी डालकर देखते हैं, देखते हैं क्या होता है पानी डालने पे. ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस. तो आज का प्रोग्राम ये है कि देखो शिवम को तो बताया नहीं है, ठीक है. तो शिवम के आने से पहले ऐसे करेंगे, हम चलेंगे जूडियो, क्योंकि मेरे पास ना वो नहीं है, टॉप और बॉटम में पजामे वाले बॉटम्स नहीं है, सारे टॉप और शॉर्ट्स हैं. और यहाँ पे मुझे अब लग रहा है कि मुझे ना पजामे वाले ले लेने चाहिए. एक तो मच्छर बहुत ज़्यादा है और दूसरा का भी बाहर निकलना होता है ना, फिर इमिडिएटली चेंज करना पड़ता है. तो मैं ये सोच रही कि कुछ लूज से ट्राउजर्स, क्योंकि लास्ट टाइम मैं लेकर आई थी तो बहुत सही थे वहाँ पे. तो मैं सोच रही एक बार जूडियो चले जाते हैं, वहाँ पे जाके देख लेते हैं. और ज़्यादा दूर भी नहीं, वैसे तो दूर है. ये क्या गिरा पता नहीं, चलो जो भी है. लेकिन तो मैंने कुर्ता तो पहन लिया है, लेकिन अभी ना अंकल यहीं पे हैं तो मुझे वेट करना पड़ेगा अंकल के जाने का. तो मुझे एग्जाम 12 बजे निकलना था पर अभी 12:04 हुए और अंकल ना अभी तक गए नहीं हैं. देखो अंकल की कार नीचे खड़ी हुई है. सो और ज़्यादा बोल भी नहीं सकती वीडियो में, ठीक है. तो तब तक मैं अपना खाना पीना रेडी कर रही हूँ, बना कर ही जा रही हूँ सब कुछ, ताकि आगे कुछ ना करना पड़े, बस गर्म तक खा लेंगे. मैं राइट वाले में इतना पेन हो रहा है ना दोस्तों, मैं बता भी नहीं सकती. और मैं ना खाली हाथ जा रही हूँ, मैंने अपनी चेन भी उतार दी है, अपनी रिंग भी उतार दी, क्योंकि आंटी ने मुझे एक बार बोला था कि कभी भी बाहर जाओ तो अपनी चेन और रिंग उतार के जाओ, और मैं अकेले जा रही हूँ तो मैंने उतार दिए. बाकी वैसे तो मैं कैब से जा रही हूँ, डरती नहीं हूँ, पर फिर भी यार कुछ भरोसा नहीं रहता. और आंटी ने वो शक डाल दिया ना मेरे दिमाग में, इसलिए मैंने उतार दिया सब कुछ, अपनी चेन भी उतार दी है, रिंग्स उतार दिए ना. मैं वॉच पहन के जा रही हूँ और मैं सिर्फ अपना कार्ड कैरी करके लेके जा रही हूँ, कोई भी कैश नहीं कैरी कर रही हूँ. सो यस, ना ही कोई वॉलेट या बैग कैरी कर रही हूँ. तो देखते हैं वहाँ पे, अगर कार्ड पेमेंट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और कैश हुआ तो फिर बैंड बजेगी. विल हैव टू वेट, विल हैव टू वेट. तब तक मैं अपने फ़ोन का इंटरनेट रिचार्ज कर रही हूँ, मतलब बाहर जाके नेट ही नहीं चला. अंकल इज लीविंग एंड आई विल बी लीविंग इन 5 मिनट्स बिकॉज द कैब इज कमिंग इन 5 मिनट्स. एंड अर्लियर आई वाज इन कैरिंग एनी कैश, मैं पैसे नहीं लेकर जा रही थी, लेकिन अब मैंने रख लिए हैं, थोड़े से पैसे रख लिए हैं कि अगर, क्योंकि पिछली बार मुझे याद आया कि मैं उससे कर रही हूँ पेमेंट, अरे उससे कर रही थी पेमेंट कार्ड से, तो हुआ नहीं था ना ही गूगल पे हुआ था, फिर आंटी ने कैश दिया था. तो इस बार मैं थोड़ा कैश रख लिया. और ये देखिए अंकल रहे हैं जा, ये निकल गए अंकल. मैंने उठा ली अपनी चाबी और मेरी चप्पल तो आपको पता ही है. और मैंने बताया था, मैंने पता नहीं बताया नहीं बताया आपको पहले, मैंने एक कुर्ता चेंज कर लिया. चेंज इसलिए किया क्योंकि मुझे पुराना वाला बहुत ज़्यादा चुभ रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो इसलिए. दोस्तों यहाँ पे ना ये फ़ायदा है, आप कैसे भी बन के बाहर चले जाओ, मतलब यू नो कुछ भी पहन लो, कुछ भी करके बाहर चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है. दिल्ली में तो इतना सोच समझ के जाना पड़ता है. एनीवे वैसे मैं दिल्ली में भी कुछ भी पहन के चली जाती हूँ, और हल्द्वानी में भी. रुको दरवाजे लगा दो फिर मिलती हूँ आपसे. कर रही हूँ. सो मैंने हाथ में ले लिए कुछ खुले पैसे और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय एक फ़ोन के, और मैं वेट कर रही हूँ कैब का. तो देखते हैं, कैब वाला बंदा ठीक लग रहा था आज. पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कैब वाले बंदे ने मुझे सीधा जवाब दिया है और ना ही उसने मुझसे कोई पैसे पूछे हैं. सो या वेटिंग फॉर द कैब गाइज, आती है फिर मिलती है. कैब आ चुकी है दोस्तों. Bye.
तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मैंने कैब ले ली है, वॉइस बहुत ज़्यादा कम थी इसीलिए मैं वॉइस ओवर किया यहाँ पे। नो, इंडिया ओनली, नॉर्थ दिल्ली। दिल्ली पहुंच गई मैं जूडियो में। जाते ही ये जो भैया थे इन्होंने मुझे बैग हैंड ओवर कर दिया था और इतना अच्छा कलेक्शन था ड्रेसेस का। ये तो थोड़े शूज़ हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ओकेश थे, मुझे नहीं पता, मैंने लिए नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है, पर चप्पल्स और ड्रेसेस तो इतनी अमेजिंग थी दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती। एकदम बीची वाइब्स, यू नो, बहुत अच्छा कलेक्शन था। जो लोग इस तरीके के कपड़े पहनते हैं उनके लिए और इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लोग मुझे कोई भी वाइट प्रोडक्ट है ना वो ट्राई नहीं करना, कमाल ही हो गया। मतलब ये पहला स्टोर ऐसा है जिसपे कह रहे हैं वाइट ट्राई करना, और मुझे वाइट ही पसंद है। चलो कोई नहीं, देखिए। और ये एक प्यारी सी ड्रेस जो मैंने खरीद ली थी, मुझे बहुत ही क्यूट लगी तो मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई ये शॉट डालने से। पता नहीं क्या होगा, पीछे जा रही हूँ, कॉस्मेटिक्स देख लेती हूँ। और फिर एक दूर से प्यारा सा शॉट मैंने आप सब लोगों के लिए लिया। ऊपर मेन सेक्शन में इतनी भीड़ नहीं थी, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बिज़ी थी शॉपिंग में, पर ये देखिए फीमेल, इतना कलेक्शन, इतना कलेक्शन, ओ माय गॉड, और इतना अमेजिंग था ना गाइज, मैं आपको सच बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है स्टूडियो, लेकिन ठीक है। और ये रही मेरी शॉपिंग और मैं निकल गई मॉल से बाहर। स्टूडियो से हो गई है शॉपिंग और मैं जा रही हूँ अब घर, और मेरी कैब आने वाली है, मैं कैब ढूंढ रही हूँ, तो कैब का वेट कर रही हूँ, अभी तक कैब नहीं आई है। ऊपर से मैं सन ग्लासेस भी नहीं लेकर आई हूँ, धूप का नज़र नहीं आता तो चश्मा लगा लिया। पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, मैंने जिगर ठंडा की शॉप है, ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रिंक है, मन तो कर रहा है ले लूँ लेकिन उसी बीच में अगर कैब आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ। और ये आंटी जो दिख रही है ये बहुत देर से मुझसे मांग रही है कुछ, पर मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, और जो मेरे पास खुले पैसे थे ना मैंने वो कहीं गिरा दिए, पता नहीं कहाँ पे गिराए। और फिर आ गई थी मेरी कैब, मैं बैठ गई, और इसमें बैठने से पहले मैं ना किसी की पर्सनल गाड़ी में जाकर बैठ गई और वो मुझे उतरने के लिए बोल रहा था और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कुछ भी, पर बड़ी मुश्किल से उसने मुझे उतारा अपनी कैब गाड़ी से। सब एक बहुत ही फनी चीज़ हुई है, मैंने किसी की पर्सनल कार में जाकर बैठ गई, अभी है कि अंकल ना आ गए हूँ, बाकी तो मैं पहुँच गई हूँ घर। और कभी भी अननोन स्टेट में या अननोन जगह में किसी भी कैब वाले को अपने घर के पास मत लाओ, ये रूल है, किसी को भी इनफैक्ट नहीं। हम लोग ये डिलीवरी वालों को बुलाते हैं ना, वैसे तो उनको भी नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन कैब वालों को तो स्पेशली वी शुडंट ब्रिंग देम होम, थोड़ा सा डिस्टेंस पे उतर जाओ। निकली थी घर से 12 बजे और मैं पहुँची हूँ 2:15 बजे घर, पूरे मतलब फुल ऑन मैंने सारे कपड़े पहन पहन के देखे हैं, लेकिन वही होता है मैं तो कहीं भी जाती हूँ ना ओवरवेलम हो जाती हूँ, तो कुछ चीज़ें पहनी खरीदी और अभी भी ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें और खरीद सकती थी, लेकिन फिर ना एक पॉइंट के बाद मैं सैचुरेट हो जाती हूँ, तो फिर मैंने कहा छोड़ो नेक्स्ट टाइम ही ले लेंगे, तो कुछ इतना सामान लेकर आई हूँ। पता नहीं क्यों इस घर के अंदर आने के बाद ना रूह को एक सुकून सा मिलता है, मतलब आप ये लगाइए मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं हल्द्वानी में रहती थी। जिन लोगों को नहीं पता मैं हल्द्वानी से हूँ, विच इज़ इन उत्तराखंड, तो जब मैं अपनी मम्मी के घर जाती, मम्मी के घर में थी या मैं अपने पेरेंट्स के साथ थी ना, तो जैसी फीलिंग मुझे अपने घर में आती थी ना, मुझे वही फीलिंग इस घर में एंटर होकर आती है। और पता नहीं यहाँ पे कुछ तो ब्लेसिंग्स हैं भगवान जी की या कुछ भी कह लो, हम लोग इतनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करते हैं, वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हियर, बट देन देर इज सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन दिस हाउस दैट कीप्स अस गोइंग, और बहुत ही अच्छा लगता है, फील सो गुड, यू नो। अभी बाहर से आने के बाद यूजुअली क्या होता है, जब तक मैं दिल्ली में थी ना मेरा मन ही नहीं करता था कुछ करने का, या फिर मुझे लगता था या फिर इधर और बाहर घूम लो। ये रात के 8:30 और मैं और शिवम जा रहे हैं रिलायंस, क्योंकि हमें एक तो चाहिए पेप्सी और हमारा पोहा खाने का मन है, लेकिन पोहे के लिए भुजिया नहीं, और बहुत दिन से हम बिना भुजिए के पोहा खा रहे हैं, सो हम जा रहे हैं।
ये हो गई थी शॉपिंग और मैं जानबूझकर शिवम को आगे चला रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे पलट कर देख ही लिया और मुझे लुक्स देने लगे कि कैमरा नीचे रखो, तो मैंने चुपचाप से इतना रिकॉर्ड कर लिया था। तो दोस्तों, मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए हमने लगा लिए फिर से ये नेट और मैं बैठी हूँ जाली के अंदर। पता नहीं आपको दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ। सो दिन बड़ा मज़ेदार था, दिन बड़ा मज़ेदार था आज का। ये थी कॉफ़ी और मैं वीडियो एडिट कर रही थी, और वीडियो एडिट करते करते मैंने ग्लास कप की जगह चीनी जो है ना यहाँ डाल दी। अब रात को ही काम बढ़ गया। आज पहली बार जो मेरा पति है, माय डियर हस्बैंड, से गायब दिख रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं हम दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ। कॉफ़ी का मग देखना कितना अगली लग रहा है, और वो यहाँ पे बैठ के वीडियोस देख रहे हैं। मैं उनका हाथ दिखाती हूँ, ये पति जी, और ये मस्त यहाँ पे अपने न्यू फ़ोन में वीडियोस देख रहे हैं और खुश हैं। बाय गाइस, टेक केयर, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ ह्यूमर वाली। थैंक यू सो मच, बाय। बहुत शुक्रिया दोस्तों देखने का, जुड़े रहिए, लाइक।